ऑन रखी अपने प्लीज कम्युनिकेशन थोड़ा इजी होता है एंड आई होप आप सब रेडी है आज के सेशन के लिए सी एक्टिवली जब आप पार्टिसिपेट करेंगे चैट बॉक्स को एक्टिव रखेंगे आपकी लर्निंग थोड़ी ज्यादा होने वाली है राइट right? यस yes. और इंटरैक्ट uh, करते रहिए पूरे सेशन में चलिए स्टार्ट करते हैं सो so, I'll just share my screen. So, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिहेवियर इश्यूज इन चिल्ड्रन एंड आई एम श्योर यूर रेडी आई यू ऑल रेडी गुड आफ्टरनून दीपाली यस ज्योति लता ये अपना मोबाइल का नंबर जो, जो है टेक्नो स्पार्क जियो ट्वेंटी ट्वेंटी वन से अच्छा होगा इफ यू राइट आउन योर नेम इट्स नाइस टू इंटरेक्ट इंटर दत्ता ज्योति सिवाकर सिकरवर so आज का बहुत interesting topic होने वाला है resolving issues in children. So, I hope की problems हम सब बहुत बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं बहुत हर सेशन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन uh, आप लोगों के रहते हैं कि बिहेवियर uh, को कैसे कंट्रोल करें बिहेवियर को लेकर बहुत परेशान है पेरेंट्स भी टीचर्स भी राइट गुड आफ्टरनून गैलेक्सी ए थर्टीज प्रॉब्लम्स होती है बिहेवियर की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है लेट मी जस्ट आस्क यू क्या क्या मिसबिहेवियर हम देखते हैं बच्चों की परवरिश में चिड़चिड़े जिद्दी यस yes. और हाँ जिद्दी तो होते ही है मतलब तो आपने कुछ बोला वो नहीं कर रहे वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं आ, स्थूलता बहुत जिद्दी बहुत जल्दी गुस्सा होना यस किसी की बात ना मानना टेंट्रम्स यस एबसेंट माइंडेड ध्यान <laughs> गई और आ, कोई कोई रहते हैं बच्चे इतने छोटे वाले ओके और सुमंगना बात नहीं मानते यस yes, ये तो बहुत बहुत कॉमन सी बात है हाँ और रोना और उल्टा सीधा बोलना लैंग्वेज यूज करना कभी कभी हाँ और रोना भी रोने की हद हाँ तक नहीं। ब्लू हो जाते हैं सांस रोक लेते हैं जो बोले वो नहीं करना यस आई एग्री विद यू और क्या परेशानी तो बताओ अपनी बात को मनमाना हमारी बात ना सुनना हाँ। चिल्लाना यस <laughs> ज़मीन पे लेट जाते हैं नहीं नहीं करेंगे <laughs> अपने मस्ती में मस्त रहते हैं ये अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं यस ये तो है आफ्टर ऑल बच्चे हैं यस और उससे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं यस yes. और नेगेटिव बिहेवियर बताओ ना जिससे हम बड़े परेशान हो जाते हैं क्या करें इनका कैसे समझाएं कैसे संभालें यस yes. बस इतनी सी प्रॉब्लम्स है फिर तो सेशन की जरूरत ही नहीं है किसी की बात नहीं मानते यस yes. और बताओ ना कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं छोटी-छोटी बातों में लड़ना फ्रेंड के साथ यस हाँ बॉस बनके दिखाते हैं हमारी बात मानो आ, हम लोग क्वेश्चंस क्या है? रफीक सौदागर हम लोग सब ना क्वेश्चंस बाद में पूछेंगे मैं आपको टाइम दूंगी आप लोग मुझसे सवाल करना तो सारे सवालों के जवाब दूंगी किताब फाड़ देते हैं ओ ओ पढ़ाई के सिवाय दूसरी चीजों में ध्यान देना यस ठीक है और हाँ डिस्टरप्टिव बिहेवियर बोलते हैं इसको किताब फाड़ देना ऑलवेज वॉन्ट मम्मा हाउ स्वीट ये टाइम वापस नहीं आएगा इसको एंजॉय कर लो बड़े हो, होते जाएंगे ना छोड़ते जाएंगे मम्मा कहा और हम कहा यू विल मिस दिस टाइम इन योर लाइफ बाद में दूसरों की चीज को फेंक देना बाहर हाँ अपनी चीज को संभाल के रखते हैं ना हम इतने भी पागल थोड़ी ना है? <laughs> दूसरे की चीज को फेंकते हैं भाई समझदार है यस वंडरफुल चलिए चलिए करते हैं अच्छा एक बात बताओ ये सारा का सारा जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये आता कहाँ से है नेगेटिविज्म देखो कैटलॉग ऑफ मिसबिहेवियर में लिख कर लाई देखो नेगेटिविज्म हर बात आप जो बात बोलेंगे नहीं नहीं करूंगा ये नहीं करूंगा आप जो बोल रहे हो वो ना ही बोलेंगे गुस्से में कुछ भी सामान फेंकना यस डेफिनेटली बहुत सारे देखो कितने सारे हैं negative behaviors की। आप बोल रहे हैं, ये कर लो हैं, नहीं करूँगा बस जिद पे अड़ जाना कि बस यही करना है मुझे नहीं सुनूंगा आपकी बात आप बोल रहे हैं ऐसे कर लो तो कहना ही नहीं मानना। और आपने देखा कभी कभी अः कंप्लेन की टोन में बात करते हैं कि मम्मा उस देना मुझे धक्का दिया था मतलब ऐसे कंप्लेनिंग तरीके से हमेशा बात करना और बड़ा अच्छा अटेंशन मिलता है उनको आप बात करने लगते हो उसके बीच में बात काट देते हैं जवाब देते हैं गलत लैंग्वेज यूज करते हैं खाना खाने को बोला खाना नहीं खाएंगे ड्रेस करने को बोलोगे नहीं ये तो पहनना ही नहीं है मुझे तो वो पहनना है कुछ और पहनना होता है उनको और सु, सुलाने लगो तो क्यों सो आप तो जाग रहे हो मैं क्यों सो जाऊं और आ, कहीं आ, जाए तो मतलब कोई भी चीज हाथ में आई वो उठा के फेंक दिया और फ्रेंड्स में खेल रहे हैं तो अपनी बात मनवाना बॉस बनते हैं ज्यादा कि हाँ मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक है और कहानियां बना बना के सुनाते हैं शेयर नहीं करते हैं काट लेते हैं कभी कभी किसी को और पिटाई कर देते हैं दीवारों पे तो लिखते ही हैं कभी कभी कुछ तोड़ भी देते हैं झूठ बोलते हैं चीट करते हैं कई बारी चोरी भी कर लेते हैं और स्क्रीन टाइम तो है ही बहुत बड़ी स्ट्रगल हम लोग बोलते हैं फोन छोड़ दो तो फोन नहीं छोड़ना होता डू ऑल एग्री सब फेस कर रहे हैं ये सारी प्रॉब्लम्स आई थिंक इसमें से पांच सात प्रॉब्लम्स तो दीवारों में पेंटिंग बनाते हैं यस yes. याद आ गया यस yes. <laughs> प्रॉब्लम्स तो हर पेरेंट फेस कर रहा है आई एम श्योर है ना मैंने भी फेस करी है यस इतना इजी नहीं है बच्चों को पालना बट एक बात बताओ कि इसमें से बहुत सारी प्रॉब्लम आप आपने कभी लेट के दिखाया सड़क पे कि मैं देखो मेरे को ये चीज नहीं लेके दे रहे तो मैं सड़क पे लेट जाती हूँ और हैं ये चाहिए अभी लेके दो यही खाऊंगा यही टॉय चाहिए अभी चाहिए, अभी चाहिए. ऐसे करते हैं वी डोंट डू सच थिंग्स ना वो आता कहाँ से बिहेवियर कहाँ से सीख के आ जाते हैं अभी जवाब आएंगे कहाँ से आता है ये सारा ने आ, ना बोल रहा है आप बोल रहे ऐसे कर लो नहीं करूंगा बिल्कुल भी नहीं करूंगा खा लो नहीं खाऊंगा चलोगे मेरे साथ नहीं चलूंगा यस ओपो ए फाइव एस हम लोग uh, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ना बाद में देंगे राइट आई कम टू क्वेश्चन एंड आंसर आपको पूरा टाइम दिया जाएगा आपके सारे सवालों के जवाब ज्यादा तो फोन में देख देख के सीखते हैं है yes. फोन में और आपके कार्टून नेटवर्क भी तो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं ना पेरेंट्स कभी कभी पेरेंट्स भी हैं यस yes. हमसे सीखते हैं थैंक थैंक द लॉर्ड आप लोग ये समझ रहे हैं कि काफी कुछ हमसे आता है राइट right. बोलते हैं ना चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन यस क्योंकि बहुत सारा बिहेवियर देख के किसी को देख के और उसको मतलब मॉडल मान के उसकी तरह बिहेव करते हैं और डेफिनेटली हमसे भी गलतियां होती है जो बैड लैंग्वेज है हम जो बोल रहे होते हैं हम थोड़े दिन में सुन लेते हैं वो बच्चा हमको वापस बोल रहा होता है इट्स लाइक दैट यस ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं बट uh, क्या करें मोबाइल देखकर यस yes, वंडरफुल स्क्रीन से आ रही है और बहुत सारे बिहेवियर्स हमने कभी डेमोस्ट्रेट नहीं करी बहुत सारी बातें हमने नहीं बोली फिर भी बच्चा वो पिक कर रहा है कहां से आ रही है हमें समझ में नहीं आता जैसे ये बाइटिंग हम कोई काटते थोड़ी ना किसी को वो कहां से सीख गया मतलब वो सारा का सारा का जो है गुस्सा एक्सप्रेस करने के इतने सारे तरीके जो है वो कहाँ से आते हैं हमें समझ में नहीं आता राइट अब ये आता कहाँ से है राइट आज इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे पेरेंटिंग अब देखो एक एक्सपेरिमेंट किया था पेवलोव का एक कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट है मैं पहले आपको एक्सपेरिमेंट समझाती हूँ क्या एक्सपेरिमेंट क्या था इसमें एक डॉग था तो डॉग को क्या किया एक खाना देते थे जब भी खाने का बोल डॉग के सामने रखते थे ना तो उसके मुंह में लार आ जाती थी सलाइवा निकलना शुरू हो जाता था तो ये किसी ने सिखाया नहीं भूख लगती है तो इवन हमारे मुंह में भी पानी आ जाता है वॉट इज दैट सलाइवा निकलता है कि आ, आप स्मेल करते हो खाने की स्मेल से मन करता है खाने का यू नो you know, आपका आपके मुंह में पानी आ जाता है राइट सो डॉग के साथ ही एक्सपेरिमेंट करा और इसमें क्या था कंडीशनिंग करने से पहले क्या था कि बेल बजाई कुछ भी नहीं हुआ खाना दिखाया तो सलाइवा आ गया अब उन्होंने क्या करा खाना जब दिया ना तो बेल भी बजा दी साथ में तो तब भी मतलब खाना और बेल मतलब दो चीजें जैसे एक एक्शन जैसे खाली खाना नहीं साथ में बेल भी बजा दी तो सलाइवा आया मतलब उसके मुंह में पानी आ गया राइट अब उसके बाद क्या खाने को हटा दिया खाली बेल बजाई तो भी उसके मुंह में सलाइवा आ गया और इसको और आगे लेके गए कि जो वो खाना लेकर आता था ना उसके पाओ की आवाज जैसी आती थी तब भी उसके मुंह में पानी आ जाता था मतलब ये सारे उसके माइंड ने एसोसिएशन बना लिए कि आ, बेल बजा दो तो भूख लग जाएगी उसके अब वो वो जो जो बंदा जो लेकर आता है जब चल कर आएगा तो भी उसको भूख लग जाएगी राइट तो ये कंडीशनिंग हो गई माइंड की जो माइंड में एक सर्किट फॉर्म हो गया हमारे माइंड में एक प्रोग्रामिंग हो गई और उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर बन गया राइट ये तो एक डॉग की बात करे उसका डेवलप नहीं होता तो ये एक्सपेरिमेंट एक डॉग के साथ किया गया हमारे बच्चों की बहुत सारी कंडीशनिंग थोड़ी सी गलत हो जाती है बिहेवियर की कंडीशनिंग जो है थोड़ी सी गलत हो जाती है वो हम रियलाइज नहीं करते हो जाती है राइट right. अब वो कैसे होता है आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि सपोज uh, आपका बच्चा uh, कुछ मांग रहा है कोई खाने की चीज मांग रहा है और uh, मे बी पेप्सी मांग रहा है ठंड का मौसम आ गया आपने बोला नहीं नहीं पेप्सी नहीं दूंगी मैं ठंड हो गई है तबियत खराब हो जाएगी और मौसम बदल रहा है बुखार हो जाएगा बेटा नहीं आपने आराम से बोला तो उसने रोना शुरू कर दिया राइट अब रोना शुरू करा इतने में पापा आते हैं और उन्होंने बोला क्यों रो रहा है ये पेप्सी मांग रहा है तो दे दो यार थोड़ी कम दे दो बट दे दो उसको तो अब क्या समझ में समझ में बच्चे के पार्ट पे क्या समझ में आ? आपने उठा के उसको पेप्सी दे दी। बच्चे बच्चा क्या समझ रहा है इस पूरे इंस्टेंस पे कि थोड़ा सा रोऊंगा तो मान जाएंगे है ना मतलब रोने को क्या एक टूल समझ रहा कि जब मैं रोता हूँ तो मान जाते हैं मेरी बात है ना अंडरस्टैंडिंग उसके माइंड में कंडीशनिंग हो रही है तो थोड़ी सी बिहेवियर की जो कंडीशनिंग जो हम कर देते हैं ना वो गलत हो जाती है जब एक एनिमल के पार्ट पे हो सकता है तो इवन बच्चे को भी नहीं पता कि आ, ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग उसके माइंड में चल रही है और उस माहौल में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से मेरा माइंड प्रोग्राम हो गया नहीं इवन हमें भी नहीं पता उसको भी नहीं पता बट ऐसा हो जाता है तो बिहेवियर की कंडीशनिंग थोड़ी सी गलत हो जाती है मोबाइल के लिए रोना शुरू करा वो रोता है तो थोड़ा थोड़ी देर तक नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम रो लिया आपने पर दे दिया मोबाइल तो दे दिया तो क्या समझ में आ रहा है रोता वो तो पिघल जाते हैं मतलब उसको समझ में आ रहा है कि मेरे मेरे किस बिहेवियर का असर हो जाता है इनके माइंड पे और हमारी तरफ से बच्चे का बिहेवियर का जो कंडीशनिंग है वो थोड़ा सा गलत हो जाता है ये कुछ बच्चे ले जाते हैं कि सांस रोक लेते हैं ब्लू हो जाते हैं और हम लोग घबरा जाते हैं अरे और कभी कभी खाना खिलाया होता है और उस टाइम पे वॉमिट करना शुरू कर देते हैं रोते रोते है ना ऐसा होता है अभी खाना खाया भी उल्टी कर देगा चलो दे देते हैं कोई बात नहीं तो हम लोग यस तो बच्चों को मनाए कैसे है ना हमारे भी सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं और कभी कभी नहीं देते तो हमारे अंदर गिल्टी इमोशन आने लग जाते हैं। मैं कैसी माँ हूँ इतनी सी बात मांग रहा है मैं वो दे दे भी नहीं सकती क्या चलो दे देती हूँ ऐसा भी होता है ना हम पिघल जाते हैं राइट right. तो बच्चों की माइंड की जो बिहेवियर की जो प्रोग्रामिंग है वो गलत हो जाती है यस yes. होता है राइट right. सो so, अगर एक एनिमल का माइंड प्रोग्राम हो सकता है तो इंसान तो डेफिनेटली ज्यादा इवॉल्व है और उसके माइंड की भी गलत प्रोग्रामिंग हो जाती है अब ये चार से पांच बार कर लीजिए कोई भी प्रोग्रामिंग मतलब इसमें क्या है इसमें कंट्रोल क्या है यहाँ पे जब हमने ये एक्सपेरिमेंट की बात करी क्या है कि स्टिमुलस क्या है इसमें बेल है या खाना है और हमारे यहाँ पे स्टिमुलस का कंट्रोल किसके हाथ में बच्चे की जिद जो है वो बच्चे के हाथ में ना बच्चा पूरे कंट्रोल में स्टिमुलस को कौन कंट्रोल कर रहा है बच्चा और जो रिस्पॉन्स है वो कौन कंट्रोल कर रहा है रिस्पांस हमारे हाथ में है right? राइट अब आप क्या करने वाले हैं स्टिमुलस क्या है ये चाहिए डिमांड और फिर रोना शुरू कर दिया रिस्पांस आपने कैसा दिया उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर डिसाइड होने वाला है चार या पांच बार आपने ऐसा कर दिया मतलब वो रोया और आपने दे दिया उसका माइंड एक सॉल्यूशन को समझ लेगा और वो उसका माइंड प्रोग्राम हो जाएगा अब कंट्रोल में आप रह सकते हैं आपको समझ में आ रहा है ये आ, ये वाला क्यों मैंने आ, उठाया ये वाला एग्जाम्पल ये डॉग वाला कंडीशनिंग वाला क्योंकि हम चाहे अगर हम अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर ले मुझे उस टाइम गुस्सा दिखाना है या मुझे चुप रहना है या मुझे क्या करना है तो मैं इस स्टिमुलस को कंट्रोल कर सकती हूँ स्टिमुलस है बच्चे के कंट्रोल में उसने रोना है उसने पैर पटकने है उसने लेट जाना है जो भी उसे करना है है ना वो उसके कंट्रोल में है और अगर मैं रिएक्ट करती हूँ तो मैं उठ के एक थप्पड़ लगा देती हूँ या उसको गोदी में उठा लेती हूँ चुप कर आती हूँ और मैं उसको दे देती हूँ वट जो भी मेरा रिस्पॉन्स आता है तो उसकी कंडीशनिंग वैसी हो जाएगी सिर्फ अगर चार या पांच बार मेरे एक्शन से उसका माइंड प्रोग्राम हो जाता है तो चार या पांच बार जो मैं चाहती हूँ तो मैं वो करूं और मैं उसकी बात ना मानूं तो मैं रिकंडीशनिंग कर सकती हूँ आपको समझ में आ रहा है सब पेरेंट्स को बच्चे के कंट्रोल में ये बात है आ, था, था, वी विल डेफिनेटली कम बैक टू यू उसके बाद अभी आप आप चैट बॉक्स में बोलते रहिए जो भी आप बोलना चाहते हैं यस मैं सारी चैट्स आपकी पढ़ूंगी क्योंकि थोड़ा सा अगर सबको अलाउ करूंगी बोलने के लिए तो फिर कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी क्या कहना चाहती हूँ और इसके बाद आप सारे लिखते रहिए अपने क्वेश्चंस और उसके बाद हम आ जाएंगे इस इसमें राइट सो so, वेल well, चार या पांच बार अगर मेरे एक्शन से बच्चा बच्चे का माइंड प्रोग्राम होता है तो मुझे रिस्पॉन्ड कैसे करना है अगर मैं कंट्रोल में रहती हूँ तो डेफिनेटली रिकंडीशनिंग भी हो सकती है ठीक है अब तक जो मुझसे गलतियां हो गई लेकिन मैं उसको रिजोल्व कर सकती हूँ राइट सो so, आगे बढ़ते हैं अब इसमें क्या होता है कि हम अपना डिसीजन मैंने लिया है कि मुझे पेप्सी सपोज नहीं पीने देनी तो मेरा जो डिसीजन है वो चेंज हो जाता है बच्चे के रोने से राइट right? तो मुझे अपने डिसीजन को अगर मैं चेंज ना करूं तो बच्चे की प्रोग्रामिंग ठीक रहेगी बहुत इजीली हम लोग हार मान लेते हैं अपना डिसीजन हम चेंज कर देते हैं बच्चे ने जो कहा हमने मान लिया राइट right? हमें गिल्ट आना शुरू हो जाता है अरे इतना रो रहा है इतनी देर हो गई है रोते रोते तबीयत खराब हो जाएगी कितना रोलाऊ मैं उसको देना पड़ेगा और हम हार मान लेते हैं हम अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं छोड़ो परे चलो दे दो यस वी हैव टू बी कंसिस्टेंट सी अभी एक बिहेवियर बच्चे का डिसाइड हो रहा है और इनफैक्ट uh, उस बिहेवियर की वजह से हम सबसे ज्यादा परेशान होने वाले हैं अभी तो हम हो रहे हैं आने वाला टाइम से वो बच्चा परेशान होने वाला है बच्चे की वजह से उसके आसपास के लोग परेशान होने वाले हैं राइट right? तो ये फॉर्मेटिव ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी पूरी लाइफ इसके ऊपर डिपेंडेंट है हमें क्या करना है हमारे जो एक्शन अगर थोड़े से माइंडफुली अब हम एक्शन नहीं लेंगे कुछ भी होता चला जाएगा राइट डू ऑल अग्री Come on guys do you all agree Yes. With me. Wonderful, wonderful. So बात ये मतलब इसमें कुछ ईगो वाली कोई बात नहीं है कि बच्चा क्या मैं बच्चे को प्यार नहीं करती वो छोटी छोटी चीजें मांगता है क्या मैं उसको दे नहीं सकती मतलब वो सवाल हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं और डेफिनेटली आफ्टर ऑल माँ है या पापा है तो मतलब हम लोगों का दिल पिघल जाता है इसमें यहाँ पे कोई बात नहीं है कि आप उसको देना नहीं चाहते या आप हार्श है या क्या है उसकी कोई बात नहीं बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा फर्म रहने की जरूरत है बिना हार्श हुए रिएक्ट करे बहुत बार हम लोग उठ के एक और थप्पड़ लगा देते हैं फिर हम ही बहुत देर तक उसको चुप कराते रहते हैं फिर हम बाद में हम भी रोना शुरू कर देते हैं मतलब ये सारे होते हैं ये रिएक्शन के फिर बाद में ये सारे रेपरकशन होते हैं हम लोग उस सब में से गुजरते हैं राइट पहले मना कर दिया फिर वो रोया फिर हमने दे दिया और फिर उसके बाद या हमने थप्पड़ लगा दिया जब उसे उल्टा सीधा बोला तो अगर बैड लैंग्वेज में उससे बात करी तो हमने बोला आज अब मैं बताती हूँ फॉर्म तरीके से बिठा दिया कस के उसका हाथ पकड़ लिया वट एवर वी डू वी रियाक्ट इन दैट मैनर जब हम इस तरह से बिहेव करते हैं ऑटोमेटिकली हम उसको सिखा रहे हैं कि ऐसे बिहेव करना है कोई तुम्हारे साथ ऐसे बात करे तो उसके साथ ऐसे बिहेव करना है बट दैट इज नॉट वॉन्ट टू अचीव अगर हर टाइम हम हार्श तरीके से भी बिहेव कर बहुत रहे बहुत हैं तो भी हम उसको सिखा रहे हैं कि वी है जो हमने बोला है उसको पूरा करना है नॉट बिकॉज वी आर हार्श मादर्स नॉट बिकॉज हम लोग इतने सॉफ्ट नहीं है हम समझ नहीं रहे हैं हम उन्हें अंडरस्टेंड नहीं करते हैं बट हम उनके माइंड की प्रोग्रामिंग इस टाइम पे कर रहे हैं उनकी पूरी लाइफ इस बात के ऊपर डिपेंडेंट है कि जो आप कहते हो वो पूरा करते हो वो बताने के लिए राइट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और थर्ड रीजन क्या है जब बच्चा रिएक्ट करता है जब बच्चा कुछ एक्शन में होता है तो हम रिएक्ट करते हैं हम उससे ज्यादा एक्शन में आ जाते हैं वो टाइम होता है हमें रिएक्ट नहीं करना होता गांठ बांध लो इस बात को डोंट रिएक्ट जब बच्चा एक्शन में होता है जब वो किसी भी एक्टिविटी को कर रहा है आपको रिएक्ट नहीं करना है आपको एकदम शांत हो जाना है एकदम कुछ हो ही नहीं रहा जैसे ऐसे हो जाना है एग्री मुश्किल है इट्स नॉट इजी आई एम टेलिंग यू बहुत मुश्किल है अपनी आंखों के सामने अपना बच्चा जब रोता है ना तो मतलब माँ बाप के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है और ग्रैंड पेरेंट्स हम लोग बोलते ना हम तो कर लेते हैं लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स नहीं मानते ये बहुत सारे पेरेंट्स बोल रहे थे पहले बट आई थिंक हर पेरेंट इस बात को फेस करता है देखो जब ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आप रहते हो चार लोगों के चार तरीके से परवरिश हाँ ग्रैंड पेरेंट्स वो देखा आ गई ना सुमंगना ने बोल दिया कि ग्रैंड पेरेंट्स वो चीज दे देते हैं राइट right. डेफिनेटली देखो चार तरह के लोग हैं मम्मी पापा मम्मी की परवरिश अलग तरीके से पापा की परवरिश अलग तरीके से दादू की परवरिश अलग तरीके से हुई है दादी की परवरिश अलग तरीके से हुई है और नाना नानिया तो वो भी अल, दो अलग इंसान इन, है राइट यहाँ पर किसी की भी इंटेंशन गलत नहीं होती है हो जाएगा ठीक हो जाएगा अच्छा डेफिनेटली लेकिन इंटेंशन देखो दादा दादी भी प्यार करते हैं नाना नानी भी प्यार करते हैं आप भी प्यार करते हो पापा भी प्यार करते हैं राइट अब है क्या मतलब जब इंटेंशन किसी का भी गलत नहीं है सारे प्यार करते हैं एक कह रहा है कि दे दे और एक कह रहा है मत दे एक कह रहा है क्यों रोला रहे हो इतना और एक कह रहा है अभी नहीं देना रोने दो तो थोड़ी देर उसको तो इतने में वो उठा के ले जाते हैं हाँ यही प्रॉब्लम्स है ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों के सामने हमें डांट देते हैं यस yes, ये भी होता है यस yes. होता है ना ये सारी प्रॉब्लम्स है और भी मैं चाह रही थी कि आप लोग बताए मुझे मेरे मेरे शेयर करने से पहले आप लोग बताएं। <laughs> होता है ऐसा ही होता है बट यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स और आपको सब सबके एक्शन से उसका कुछ दिमाग में कुछ सॉल्यूशंस आ रहे हैं ऐसा ही होता है मैं भी डांट खा खा जाती हूँ यस लेकिन ऐसा करेंगे तो बच्चा भी मुझे गलत समझते हैं बोलते हैं, मम्मी प्यार नहीं करती तो मैं उसे, उन्हें positively मिलते हैं. हमारी तो लड़ाई भी हो जाती है, होता है।, ये भी होता है हम आपस में लड़ पड़ते हैं यस जनरल प्रॉब्लम है ये सारे लोग आई थिंक फिफ्टी वन लोग आ चुके हैं और हाँ फिफ्टी हा, लोग हैं यहाँ पर 50 लोगों में से किसी से भी पूछ लो ये सबके साथ ये प्रॉब्लम है समझ नहीं आता क्या करे यस yes, सुनीता आई कैन अंडरस्टैंड ये हम सबका पेन है पता है पर यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ आया ना कि दादा दादी भी प्यार करते हैं मैं भी प्यार करती हूँ पापा भी प्यार करते हैं नाना नानी भी प्यार करते हैं है ना फिर ऐसा क्यों हो जाता है गलत प्रोग्रामिंग क्यों हो जाती है हाँ बच्चों को डांडो तो बच्चा मम्मी को गलत बोलता है वो भी हमें नहीं अच्छा लगता yes. क्या करे है ना ये सबके मन में यही सवाल है क्या करें फिर वेल right. so well, ये तो हम लोगों की गलतियां हो जाती है हमें पता नहीं है एग्जैक्टली exactly. बिना मैनुअल के बच्चा आ गया था हम लोगों को भी क्या पता ना क्या करे बस इंटेंशन uh, ये है कि हम सब प्यार करते हैं बच्चा खुश रहना चाहिए रोना नहीं चाहिए जो मांगे उसे हम दे सके है ना ऐसा होना चाहिए राइट अब क्या करें अब रिकंडीशनिंग करने की जरूरत है ये तो हम सबको पता है हम सबसे कुछ गलतियां हो गई हैं बट हमें उस उसको दोबारा से प्रोग्राम करने की जरूरत है अब रिकंडीशनिंग करने से पहले अच्छा जैसे चार या पांच बार आपने एक एक्शन किया उसने बोला कि मुझे आ, मुझे ये चाहिए आपने बोला नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा उसके बाद चार से पांच बार आपने ये बोला नहीं मिलेगा लेकिन आपने दे दिया चार से पांच बार वो रोया आपने दे दिया उसने नीचे लेट के दिखाया आपने दे दिया उसने जाके शिकायत दादी को ही कर दी आपने तो दे दिया राइट तीन से चार बार ये हुआ तो कंडीशनिंग हो गई मेरा बच्चा कहता है मेरी माँ मेरे मेरे से प्यार नहीं करती पापा करते हैं ये तो बहुत बहुत कॉमन है बच्चों की वजह से बड़े और और लड़ने लग जाते हैं यस होता है हमारी आपस में लड़ाई हो जाती है देखो इंटेंशन किसी का खराब नहीं है बट देन अंडरस्टैंडिंग हम हमें एक्चुअली पता नहीं है कि क्या करना है अब हमें रीकंडीशन करना है इनको ये जो हमसे गलतियां होगी ना हमें इसको दोबारा से ठीक करना है अब ठीक करने के लिए चार से पांच बार गलती की तो वो प्रोग्रामिंग हो गई अब चार से पांच बार नहीं मे बी छह सात बार आपको उसको ठीक करना पड़ेगा तो रिकंडीशनिंग होगी राइट सब लोग रिकंडीशन करना चाहते हैं अपने बच्चों के दिमाग को देखो ये मैसेजेस आपने ही दिए हैं कि जब आप रोगे ना बेटा तो हम दे देंगे एक दिन आपने डिसाइड करा बिल्कुल भी नहीं दूंगी तो मैं भी वो चलो वैसे पांच मिनट रोता था आज पंद्रह रोया लेकिन एंड में आपने दे दिया तो एक नया नए तरीके से रिकंडिशनिंग हो गई कि थोड़ा बहुत रोने से नहीं मिलेगा थोड़ा ज्यादा रोना पड़ेगा तो रिकंडीशनिंग ऐसे हो गई अब एक्चुअली हमें इस सारे कंडीशनिंग को हमें चेंज करना है तो अब हमें ये जो चार से पांच बार जो हमने गलती की थी अब हमें छह सात बार हमारा जो प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसकी कुछ मतलब ये करने से पहले कुछ काम आपको करने पड़ेंगे कुछ और कंडीशन है जिनको आपको फिट करना पड़ेगा फिक्स करना पड़ेगा अपने आसपास की रिकंडीशनिंग अकेले नहीं कर सकते आप। आपको ये एक टीम वर्क होता है मम्मी पापा की आपस में मतलब एक ही कंसेंसस होना चाहिए कि जो आप कह रहे वही पापा बोले और वही दादा दादी भी वही बोले ये टीम वर्क है तो आप सबको बैठ के आपस में ये बात करनी पड़ेगी कि जो मैं बोल रही हूँ सपोज मम्मा ने कुछ बोला है तो पापा को भी वही बोलना है और दादा दादी को भी वही बोलना है ये एक टीम वर्क है इसकी वजह से बच्चे की लाइफ में परेशानी आने वाली है और हम भी उसकी वजह से परेशान होने वाले हैं हमारा बच्चा परेशान होगा तो हम भी तो परेशान होंगे ना तो डेफिनेटली हम सबको बैठ के आपस में बात करनी है मम्मा ने ना बोला है तो पापा को भी ना बोला बहुत जरूरी है हाँ में हा मिलाना कि हाँ कुछ बात है जिसकी वजह से मम्मा ने ना बोला है और कोई बात है जिसकी वजह से आज हाँ बोला है कोई काम करने को बोला है तो राइट ये टीम वर्क है ये पहले आपस में बात कर लेना तब रिकंडीशनिंग हो पाएगी नहीं तो वैसे ही चलता रहेगा सब कुछ लाइफ वैसे ही चलती रहेगी कोई चेंज नहीं आने वाला अब आपको पेशेंटली उसको डील करना है मतलब यहाँ पे कहीं भी आपको गुस्सा नहीं दिखाना अपना टेम्पर नहीं लूज करना बच्चा गुस्से में आपको उल्टा सीधा बोल रहे कुछ बोल दिया बच्चे ने उल्टा सीधा बोल दिया और आप बोल आपको वहां पर टेम्पर नहीं लूज करना और ऐसे ही बिहेव करना जैसे आपने सुना नहीं यस, yes. फादर्स भी बैठे फादर्स को बुला लो नहीं बैठे तो मैम अपने बच्चे को संभाल सकते हैं अगर फैमिली में दूसरे के बच्चों को कुछ आ, कह नहीं सकते ये, हाँ ये भी बात है एक्चुअली हाँ वही चाचा चाची सब अगर आप ज्वाइंट फैमिली के सेटअप में है तो भी सबका कंसेंसस तो चाचा चाची और ताया जी जी ताई जो भी घर के अंदर है सबका सबकी हाँ अगर आपने कुछ बोला है तो सबको उसमें मतलब रजामंद रहना पड़ेगा सबकी एक ही राय हो कोई अलग नहीं जाएगा और उस टाइम पे कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम ऐसे करो ऐसे मत करो कितना रुला दिया तुमने कितनी देर हो गई है कितनी देर से वो रोता जा रहा है नहीं कोई बीच में नहीं आएगा अब पेशेंस विद लव अब जो टेम्पर तो लूज नहीं करना अब वो रो रहा है आपको उस कमरे को छोड़ के नहीं जाना राइट right? वो गुस्से में फेंकना शुरू कर देता है रोते रोते चीजों को फेंकना शुरू कर देता है ग्लास उठा के फेंक दिया आराम से उसको क्लीन कर देना और कुछ नहीं और अगर आपको लग रहा है कि बाहर जाके वो और जोर जोर से चिल्ला रहा है या कुछ और किसी के ऊपर फेंक रहा है या कोई ऐसी बात उठा के ले आओ कमरे में बैठ दो दरवाजा बंद कर दो पर उसके साथ रहना है आपको उसको हग करो उसको किस करो उसको प्यार करो कुछ भी करते रहो लेकिन आपको अपना गुस्सा नहीं शो करना है खुद गुस्से में नहीं आना कुछ भी हो रहा है उसको आराम से डील करते रहो वो बहुत देर हो गई है रोते हुए तो पानी का ग्लास लग पानी पिएगा मेरा बच्चा वो सारे आपको जेस्टर्स देने की आप बहुत प्यार करते हो आपको दिखाना है क्योंकि डेफिनेटली बच्चे के मन में आ रहा है मुझे ये प्यार नहीं करते हैं जब हम ऐसे डील करते हैं बच्चों के साथ तो ये आता है कि परवाह ही नहीं करते कितनी देर हो गई है मुझे रोते मुझे चुप भी नहीं करा रहे और किसी और बच्चे से अगर ये बात करेंगे जाके तो वो बोलेंगे कि नहीं मेरी मम्मा तो मान जाती है तो उसे लगेगा उसकी मम्मा उसको प्यार करती है मेरी मम्मा प्यार नहीं करती नहीं आपको सारे जस्टेस देने हैं कि आप उसको प्यार करते हो बस गुस्सा नहीं दिखाना रिएक्ट नहीं करना आपने रिस्पोंड करना है आपने जो उसका कंट्रोल है ना वो उसके हाथ में नहीं देना कि वो गुस्से में कुछ आपसे कह रहे हैं और आप भी गुस्से में आ गए नहीं वो नहीं करोगे आप यहां तक क्लियर है सबको फिर परसिस्टेंस अब सपोज आपको जो एक्सपेक्टेशन है बच्चे के साथ एंड में वही काम होगा बच्चे ने मोबाइल मांगा सपोज राइट रोना शुरू कर दिया यस थैंक यू थैंक यू रिस्पोंड करते रहो मुझे लगता है दीवार नहीं है मेरे आगे सब बैठे हुए हैं सुन रहे हैं मेरी बात बेसिकली सपोज बच्चा मोबाइल के लिए रो रहा है कि मोबाइल दे दो आपने बोला नहीं देना तो बच्चा रोता रोना शुरू कर दिया बहुत देर हो गई रोता रहा रोता रहा और उसके बाद आपने फिर आगे पंद्रह बीस मिनट हो गए आपने जाके उसको चुप कराया चुप हो गया पानी पिलाया और उसके बाद आपने मोबाइल दे दिया अब यहाँ पे क्या हुआ इस में क्या हुआ? हो सकेगी। चलो एक और एग्जांपल लेते सपोज बच्चा खाना नहीं खा रहा था राइट वो बोल रहा है कि मेरे को खाना नहीं खाना मुझे खेलना है ठीक है आप बोल रहे हो खाना खा ले फिर खेल लियो पहले खाना खा लो ठीक है तो उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया।, आप, आपने खेलने नहीं दिया राइट उसके बाद आपने क्या किया रोते रोते वो सो गया आप भूल गए और वो सो के उठा फिर खेलना शुरू कर दिया इसमें क्या हुआ ऐसा होता है हम लोगों के साथ होता है पेरेंट जीता या बच्चा जीता या विन विन सिचुएशन की हम हम एक कंडीशनिंग कर रहे हैं ना इसमें क्या कंडीशनिंग होगी आप गुस्से में गुस्से में थे या जो भी थे आपने उसको करने नहीं दिया उस टाइम पे आपने नहीं करने दिया रोता रहा वो बहुत देर तक रोता रहा लेकिन एंड में आपने दे दिया वही दे दिया ना जो वो चाहता था क्या होगा इससे बच्चा जीत गया तो कंडीशनिंग कैसी होगी आप तो यही सिखा रहे हो थो, ना थोड़ा ज्यादा रो लो फिर मिलेगा मैंने थोड़ा बहुत रोते थे तो मिल जाता था थोड़ा ज्यादा रोना पड़ेगा बट यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एंड रिजल्ट जो हम परसिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि जब वो रोया पंद्रह मिनट बीस मिनट आधा घंटा जब भी रोया उसके बाद भी आपने वही किया जो आपने बोला आपने मोबाइल नहीं दिया या जब बच्चा खाना खाते खाते ना बिना खाए रोते रोते सो गया जब उठा आपकी प्लेट रेडी होनी चाहिए वही करना है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि जो बच्चा मांग रहा था उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करना है वेरी इंपॉर्टेंट तब आप रिकंडीशन कर पाएंगे और इसको एटलीस्ट इस एक्शन को आपको अगर चार बार करने से कंडीशनिंग हुई थी रिकंडीशनिंग के लिए सात आठ बार आपको करना पड़ेगा आपको एक नया सर्किट माइंड में बनाना है तो आपको ये एक्शन रिपीट करना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा टाइम ये लंबा पेशेंस विद लव वाला जो प्रोसेस है ये एक लंबा प्रोसेस है इसको बहुत टाइम लग जाता है पहले अपने आप को कंट्रोल में रखना मतलब बच्चा सामने कोई भी अगर आ रहा है गेस्ट आए हुए उनके सामने uh, बड़े बुरे तरीके से हो रहा है या मिसबिहेव कर रहा है चीजें उठा उठा के फेंक है बड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल करना उस टाइम पे बट आपको पेशेंस में रहना है आपको अपना गुस्सा नहीं एक्सप्रेस करना गुस्से में बिल्कुल नहीं आना बड़े शांत तरीके से रो रहा है तो आप उसी कमरे में रहिए कोई और काम करना शुरू कर दीजिए लेकिन आपको हार नहीं बन डोंट गिव इन दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी बट यस दिस इज गोइंग टू बी द वे टू डू री इन योर चाइल्ड नेक्स्ट पार्ट ये जो कंसेंसस की बात हम कर रहे थे दोनों पेरेंट्स में ये के पेरेंट्स के बीच में कैसे आएगा आप दोनों बैठ के आपस में क्लियरली बात कीजिए यस एक बंदा बोल रहा है तो दूसरा बंदा भी यस बोलेगा फादर ने यस बोला है तो मदर को भी यस बोलना है मदर की एक्सपेक्टेशन अगर नो है फादर को भी नो बोल है ऐसा नहीं होना चाहिए यस yes, नो no वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए यस yes तो दोनों का यस yes, नो no है तो दोनों का नो no होना चाहिए आप उसको बैठ के बाद में बात करो बच्चे के सामने कोई बात नहीं करती कंसेंसस बहुत जरूरी है अदरवाइज नहीं होगा सेकेंड पार्ट जो इसका है कि थर्टी मिनट्स हर पंद्रह दिन के बाद आपको सारे फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के एक मीटिंग रखनी है और बच्चे के बारे में बात करनी है एटलीस्ट थर्टी मिनट्स अपने बच्चे के लिए आपको निकालना है बच्चे की प्रेजेंस के बिना दादा दादी चाचा चाची मम्मी पापा सब बैठ के आपस में बात करेंगे एटलीस्ट थर्टी मिनट्स तक अब यहाँ पे बात करेंगे लड़ाई नहीं होनी चाहिए ब्लेम नहीं होना चाहिए किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे हम ह्यूमिलियट नहीं करेंगे बट हम बात करेंगे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे एग्जांपल के तौर पे बड़ी छोटी सी बात है हम आ, हम लोग जो सहरा में बड़े हुए हैं दूध पीना बहुत इम्पोर्टेंट होता था राइट और आजकल क्या है दूध काफी कंटामिनेटेड है बच्चों को लैक्टोज इनटोलरेंस हो रही है अगर आप लोग अवेयर हो दूध पीते ही बच्चे को एकदम उल्टी आ जाती है क्योंकि दूध में बहुत मिलावट है बहुत सारे बच्चे इसको फेस कर रहे हैं राइट अब हुआ हुआ क्या एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक आ, बच्चा दूध नहीं पी रहा तो मदर ने कहा चल कोई बात नहीं कुछ और दही खा लेंगे या कुछ और खिला दूंगी तेरे को मम्मा ने उसको छोड़ दिया उसी टाइम पे दादाजी आते हैं और वो कहते हैं ऐसा कैसे हो गया दूध क्यों नहीं पी रहा दूध पिलाना बहुत जरूरी है उसी टाइम पे मतलब एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है घर के अंदर की वो जिद करके उसको दूध पिलाने लग जाते हैं राइट अब यहाँ पे जब आप मीटिंग करेंगे तब आप अगर ये डिस्कस कर ले कि पापा ऐसा हुआ था कि डॉक्टर ने कहा था जरूरी नहीं है दूध पीना हम उसकी जगह उसको ब्रोकली खिला सकते हैं अगर हम कैल्शियम ही अचीव करना चाहते हैं हम कुछ और भी चीजें हैं जो खिला सकते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर बच्चा दूध नहीं पिएगा अरे अरे दूध नहीं पिएगा तो कैसे बड़ा होगा मतलब यहाँ पे आप सुनेंगे वैलिडेट करेंगे एक दूसरे की बातों को यहाँ पे आपकी लड़ाई नहीं होनी चाहिए ना आप ब्लेम करेंगे उस दिन भी तुमने ऐसे ही किया था चार दिन हो गए मैं देख रहा हूं, तुम दूध नहीं पिला रही हो उसको बड़ा कैसे होगा उसकी बोन्स कैसे स्ट्रांग होगी देखो प्यार सब करते हैं हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है 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 तो उसको 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 एक्सेप्ट एक पॉजिटिविटी एक के साथ उसको समझना है, उसको सुनना है और बात करनी है और फिर अपनी बात भी कहनी है राइट बहुत ध्यान से ये मीटिंग बहुत ध्यान से होनी चाहिए अगर हम सब मिलके बच्चे का भला चाहते हैं डेफिनेटली एक फैमिली के अंदर सब बच्चे का भला ही चाहते हैं बट अगर हम ये अलग से बैठ के ये बात कर लेंगे डेफिनेटली हम सब उसके इंटरेस्ट में काम कर रहे मी और सब लोग मेरे साथ हैं मोड्यूल ऑल से थैंक यू थैंक यू एवरीवन नाउ थर्ड पॉइंट हम एक दूसरे को प्रॉमिस करेंगे बैठने से पहले कि हम उनके सामने कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे सपोज मैंने किसी बात के लिए मना करा है और दादाजी या हस्बैंड या किसी और उनको लग रहा है कि क्यों ऐसे हमेशा ही क्यों मना करते हो आप तो उनके सामने नहीं बोलना अलग से हम ये बात करेंगे ना हम लड़ाई करेंगे बच्चों के सामने नहीं कोई लड़ाई करेंगे ये हो जाती है आप सबने अभी भी करा। हो जाती है। behavior, क्योंकि उसी की वजह से ही होता है। बच्चों के सामने आपको लड़ाई नहीं करनी है बी वेरी केयरफुल ऑन दैट रिगार्ड नहीं तो क्या होता है बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं आपका तीन साल का बच्चा उसको समझ आ आ जाएगी मम्मा अगर किसी बात में मना करेगी तो उसको किसके पास जाना है उस बात को मनवाने के लिए ये इतने छोटे बच्चे हमें लगता है बट बड़े इंटेलिजेंट होते हैं बड़े ब्रिलियंट होते हैं इनको पता है किसको कैसे घुमाने और अपना काम दैट सो कंसेंसस बहुत जरूरी है अब इसके बाद ये जो सारी की सारी मीटिंग है अगर किसी पेरेंटिंग कोच से आप इसको प्रोग्राम कर सको

वो भी बढ़ जाएगा आपका आपका ध्यान मतलब जो पेरेंटिंग है थोड़ी ज्यादा माइंडफुल हो जाएगी कि तब उन्होंने ये बोला था चलो मैं ध्यान रखूंगी ऐसे नहीं करूंगी ऑब्जर्वेशंस थोड़ी ज्यादा माइन्यूट हो जाएगी और आप ध्यान से अच्छे पेरेंट बनते चले जाओगे माइंडफुल पेरेंट बनते चले जाओगे और यहाँ पे एक बड़ी एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन पुलिसिंग नहीं करनी ऐसे बोला तो ऐसे किया वैसे किया तो वैसे किया मतलब वो वो अनोक हो जाएगा वो बच्चे को नहीं अच्छा लगेगा जो पुलिसिंग मतलब जो वैसे कि, आ, मैं वहां गई थी तब तुमने क्या किया ये सब जब बच्चा डिस्टेंस में होता है आप घर पे नहीं थे जो आप छानबीन करते हो ना तब क्या किया था वो सॉफ्ट तरीके से आपको पूछना है बट अनॉय नहीं करना ऐसे क्यों किया वैसे क्यों किया वो पुलिसिंग नहीं होनी चाहिए ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन आपको ऑब्जर्व करना है, चुप करके ऑब्जर्व करना है कि इस एक्शन का क्या रिएक्शन हुआ या ऐसा था तो कैसा हुआ ऑल दैट आराम से आपको देखना है राइट सो डू यू थिंक वी विल बी एबल टू रीकंडीशन देयर माइंड्स ऐसा करने से कुछ चेंज आएगा हम बिहेवियर को ठीक कर पाएंगे तो एवरीबॉडी कुछ फर्क पड़ेगा इससे यस yes. यस yes, आएगा चेंज आएगा और हमने वेल्डन well भी डिस्कस बहुत डिटेल में किया था कि अच्छे बिहेवियर को हमने बहुत ज्यादा हाईलाइट करना है एकदम खुश हो जाना है ग्यारह एक्शन में से अगर एक बार बच्चे ने कुछ अच्छा करा तो उस उसी को हमें एग्जेजरेट करना है आप देखोगे वो ज्यादा अच्छा करने लग जाएगा और इग्नोर क्या करना है नेगेटिव बिहेवियर अब टेंट्रम्स को डील कैसे करते हैं इग्नोर करना बहुत अच्छा रेमेडी है मतलब इग्नोर करना जैसे सपोज रो रहा है तो उस कमरे से आपको नहीं जाना अपने सामने उसको रहने देना है बच्चे को बट इग्नोर करना है कि जैसे आप कुछ और काम करने लग जाओ उसी रूप में बैठ के वहीं पे रहना क्योंकि वो अपने आप को कुछ हार्म भी कर सकता है बच्चों को समझ तो नहीं होती ना ये तो हमें पता है राइट डिस्ट्रैक्ट कर लेना या रीडायरेक्ट करना कि इस काम को वो कह रहा है अच्छा ये करना है तो वो वो करे चल वो करते हैं डिस्ट्रैक्ट कर दिया आपने उस काम से या किसी और काम की तरफ आप ले गए तो ये वर्क करेगा मतलब बच्चे को नहीं पता लेकिन आपने उसको एक और डायरेक्शन दे दी उसके माइंड को जरूर आएगा परिवर्तन यस और लिमिट सेट करना जैसे कि आ, मार्केट में हम जा रहे हैं तो वो जैसे बच्चे लेट जाते हैं तो आपको वो लिमिट आपको बाउंड्री डिफाइन करनी है वहां जाके आप लेटोगे तो मैं आपको वहीं पे छोड़ के आ जाऊंगी मतलब फिर तो बिल्कुल भी नहीं लेके दूंगी ये जाने से पहले आपको डिफाइन करना है एक कई लोग क्या करते हैं बच्चे बाहर जाके किसी के सामने नेगेटिव ज्यादा बिहेव करते हैं अटेंशन लेने के लिए आप आप क्योंकि एम्बेस्ड फील करते हो उनको समझ आ गई है कि आपको शरम आ जाती है किसी के सामने जब बच्चा ऐसे मिसबिहेव करता है तो तो लिमिट आपको पहले डिफाइन करेंगे कोई आने वाला आप झूठा क्लास उठा के नहीं पियोगे फिर रीजन के साथ बताओ क्यों किसी का जूठा नहीं पीना थी ठीक है और मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो देखो ये सब लेना है इतना सारा सामान लेना है राइट फिर यही लेंगे हम इसके अलावा और कुछ नहीं लेंगे राइट तो बच्चा अगर कुछ और डिमांड करता है आपने बोला ये लिस्ट में है क्या आप लिमिट सेट कर रहे हो बड़ी सॉफ्टली आप उसको बता रहे हो सिर्फ ये ये और ये लेना है इसके अलावा कुछ नहीं लेना टाइम आउट रोना शुरू करता है बच्चा और रोता चला जा रहा है तो आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको अपने रूम में लेकर आओ बोलो बहुत हो गया बस अब मैं अलार्म लगा रही हूँ खाना, खाना बात करूंगी आपसे बड़ी सॉफ्टली ये सारा कुछ आपको बड़ी सॉफ्टली करना है अपना गुस्सा नहीं दिखाना बिल्कुल भी राइट पॉजिटिव री एनफोर्समेंट जैसे की कभी कभी ये फिनिश कर लोगे ना फिर मैं कहानी सुनाऊंगी आपको ठीक है सोने से पहले अगर वो किसी बात कह रहा है सोना नहीं है अच्छा बिल्कुल मत सोना कोई बात नहीं हम कहानी पढ़ ले चलो मैं कहानी सुनाती हूँ रीड करना शुरू कर दो जैसे ही आप कहानी पढ़ोगे कॉन्सेंट्रेशन सेट होगा सो एकदम सो जाएगा बच्चा कोई बात नहीं बिल्कुल मत थो. खाना नहीं खाना अच्छा चलो मैं कहानी सुनाती हूँ पॉजिटिव री से आप उसको उसका ध्यान कहीं और ले जाओ आप कहानी सुनाना शुरू करोगे खाना खिलाते चले जाओगे उसको पता ही नहीं चलेगा कितना खा लिया कभी भी टीवी ऑन करके नहीं खिलाना मतलब पॉजिटिव किसी पॉजिटिव किसी एक्शन की तरफ आप ले जाओगे चॉइस देना है अच्छा अभी नहीं करना अच्छा कोई बात नहीं फाइव मिनट्स के बाद कर ले आप चॉइस दे रहे हो ये नहीं खाना आप ये खा लोगे चलो ये खा लो कोई बात नहीं तो आप चॉइस ऑफर कर रहे हो और उनके ट्रिगर्स को अंडरस्टैंड करना वो वो किस बात बात पे हो हो जाते हैं वो बात ना हो। जैसे कि एक पर्टिकुलर चीज को देख के वो जिद करने लग जाते हैं तो हमने उस ट्रिगर को हटा देना या कोशिश करने की वो उसके सामने ना आए आई थिंक ये सब करने से हम काफी काफी कुछ चेंज कर पाएंगे वॉड्यूल से आई थिंक सबसे ज्यादा तो बिहेवियर की प्रॉब्लम आती है हमें समझ ही नहीं आता हम क्या करें yes. हाँ ट्रिगर्स जैसे कि जैसे जैसे कि कोई चीज जैसे सपोज करो कि चॉकलेट देखते ही वो उसका बंद कर जाता है पेप्सी देखते ही वो मांगना शुरू कर देता है नहीं देते तो वो रोने लग जाता है अब ठंड आ रही तो अब लाओ मत घर के अंदर एक पर्टिकुलर टॉय है वो देखते ही वो कहता है कि अब इससे खेलूंगा पढ़ाई नहीं करूंगा तो वो मत दो या कोशिश करो वो सामने ना आया अब पढ़ाने लगे हो वो चीजें हटा दो या उसका एक रूम ऐसा हो जहां पे वो सब चीजें ना पड़ी हो उस टाइम पे टीवी ऑन मत करो जो भी चीज जिसके लिए फोन सारे एक रूम ऐसा बना लो कि फोन सारे बाहर के उस रूम के अंदर एंटर करेंगे यहाँ पे तो फोन नहीं चलेगा एक्चुअली मैम अभी मम्मी लोगों को सब कुछ जल्दी जल्दी करवाना है ताकि उनको भी अपना काम करना होता है बच्चा लेट करता है यस तो उनका भी काम नहीं होता है इसीलिए उनको भी जल्दी गुस्सा आता है यस ये, ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि जल्दी 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 जल्दी, -जल्दी चलो ठीक है सुबह जल्दी जल्दी आपने खिला दिया उसको कुछ भी करके लेकिन ये प्रैक्टिस बाद में नहीं करना देखो हमने लास्ट वाले आई थिंक ये लास्ट सेशन में हमने ये डील करा है कि जल्दी है इसलिए चलो मैं फटाफट खिला देती हूँ मैं खिला देती हूं, मैं कर देती हूँ उसका काम है ना लेकिन बाकी सारे दिन आप नहीं करेंगे देखो ये आपको डिफाइन ये सारी चीजें आपको डिफाइन करनी पड़ेगी श्रद्धा और सबूरी से ऑल आर Verified techniques, yes, they will definitely recondition up. one day, yes, true. So, I think we are done with this uh, session today, and now I'm ready for your questions. Aba, aba, ऑल दोड टू आस क्वेश्चन जिसको पूछ रहा था सब पूछ सकते हैं बस हैंड रेज करते रहिए मैम रूबी मैम यू जर्स नीड टू अन्यूटर सेल्फ ओके okay. या yeah. हाँ जी सुनीता जी बोलिए क्या बोल रहे थे हेलो मैम गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सुनीता जी तो वीडियो ऑन कर लो अच्छा रहेगा एंड लॉट्स ऑफ सजेशन थैंक यू सो मच मैम माय प्लेजर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी फैमिली में सभी मेंबर्स होते हैं तो मैटरिटी होती है या हम बच्चे के लिए कोई बात बोलते हैं तो वो एक तरह मतलब नहीं समझते हैं और वो रोता है तो उसको बोलते हैं कि नहीं तो हम ये चीज मान लो उस टाइम हम किस तरह उसको समझाएं कि सारे मतलब फैमिली मेंबर्स भी अग्री करें और बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो एक बार फिर से रिपीट करेंगे अरे क्वेश्चन में बच्चे बदमाशी करते हैं तो हम उन्हें डांटते हैं हाँ हाँ तो अदर फैमिली मेंबर्स होते हैं वो उनको मतलब हम डांटते हैं या कुछ कहते हैं तो उन, उनको मतलब उनके सामने हमें ही डांटने लग जाते हैं एग्जैक्टली exactly, ये होता है आप, आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना सबके साथ होता है मतलब डेफिनेटली बच्चे का रोना किसी से देखा नहीं जाता मतलब बहुत दुख लगता है छोटा सा बच्चा रो रहा है जो मना कर रहा है या इवन आपको डांट रहा है मतलब दैट्स अ पार्ट ऑफ लव ओनली कोई बात नहीं वो आपसे भी प्यार करते हैं ऐसा नहीं कि आपको डांट रहे तो आपको प्यार नहीं करते बट यही तो हमने बताया कि ये सारी बातें आपको अलग से करनी है बच्चे के सामने नहीं करनी और आपको ये बात इसलिए करनी है क्योंकि आप भी भला चाहते हैं वो भी भला चाहते हैं लेकिन एक एक कोई मेंबर अगर मना कर रहा है तो एक बार तो उसके साथ रहना जी मैम उसको प्यार से वो ले जाके कैसे समझा सकते कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा तभी तो मम्मा भी आपको मना कर रही है ना तभी तो हम दे नहीं रहे ऐसा करोगे अभी पीछे आपने वो खाया था ठंडा पेप्सी पिया था आपको वॉमिटिंग हुई थी ना उसके बाद हम थोड़ी चाहते है कि आप, आपको डॉक्टर के लिए पास ले जाना पड़े या आपको इंजेक्शन लगवाना पड़े मतलब दूसरा पेरेंट जो है वो भी उसको वही बात बोलेगा जो एक बंदा मना कर रहा है वो सारे वही बात पे अग्री करेंगे ये आपको बच्चों के सामने नहीं करना है ये कंसेंसस आपको लाना पड़ेगा घर के अंदर हाँ में हाँ सब की सब एक साथ मिलाए देखो बच्चा प्यार नहीं मम्मा प्यार नहीं करती है इसलिए मना करती है तो अगर सारे ही मना कर रहे हैं तो फिर सारे ही प्यार नहीं करते मतलब तो सब प्यार से उसको प्यार करते रहेंगे मैंने बोला है कि जब आप मना कर रहे हो उस टाइम पे भी आप मना करके अपना कुछ काम करते रहो फिर आके उसको एक बार हक कर लो किस कर लो उसको प्यार करते रहो ये खाएगा भूख लग गई है ना चल खाना लाती दे दे। मतलब वो सारे प्यार से सा सारे काम करते रहोगे लेकिन आप उसको जो आपने मना करा ना वो नहीं करना दादा दादी के साथ भी बैठ के तो बात करनी पड़ेगी मधुजन टू बी सुनीता जी आपका क्वेश्चन आंसर है यस yes, मैम वो स्क्रीन से बहुत ज्यादा टचेज है तो मैम ये जो बहुत habitual भी हो चुके हैं उनको खाना है तो फोन चाहिए या फिर हर टाइम मतलब फोन में ज्यादा उनको इंटरेस्ट आ रहा है तो मैम इस चीज को हम कैसे कम कर सकते हैं स्क्रीन एडिक्शन का एक एक पूरा सेशन रिकॉर्डेड है वैसे तो बट रीकंडीशनिंग करनी पड़ेगी स्क्रीन की आदत हमने डाली है अब हम रीकंडीशनिंग करेंगे अब हम नहीं देंगे यस मैम यस मैम उसके लिए कुछ और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स देंगे कुछ और अच्छी आदतें डालने की कोशिश करेंगे ताकि वो स्क्रीन कम और वो सारी आदतों में आ जाए जी जैसे उसकी आदत पड़ी है कुछ और पॉजिटिव आदतें बिडाले हां जी मैम मधु चंदा शी इज नॉट एबल टू अनम्यूट हाँ मैंने अनम्यूट किया है हाँ जी बोलिए uh, मैम आपने भी जो कहा है ना हाँ कि बच्चा कभी कभी ना बहुत जिद करने लगता है कि उसे खाना नहीं खाना है तो नहीं खाना है अब अगर और अगर खाना है तो मतलब उसे स्क्रीन चाहिए होता है ज्यादा से ज्यादा बच्चा खाने के समय ना वो टीवी देखने का बहुत जिद करता है तो हम आ, पहले चलो वो आपने अभी जो कहा हम माता पिता नहीं देते तो दादी कह देते कि चलो ना बच्चा रो रहा है तो टीवी ऑन कर दो लेकिन हम उन्हें ये नहीं समझा पाते हैं कि खाने के समय अगर टीवी ऑन कर देंगे तो उसका कंसंट्रेशन खाने पे नहीं होगा वो तो खाएगा नहीं ज्यादा टीवी देखेगा तो इस बात को कैसे मतलब हमने बहुत कोशिश किया था मगर होता नहीं है देखो अगर अगर आप नहीं समझा पा रहे हो तो आप किसी एक्सपर्ट से आ, मतलब या टीचर से या किसी अथॉरिटी वाले इंसान से मिलवा के उनको समझा सकते हैं कि ये जो स्क्रीन की जो आदत खाना खाते हुए स्क्रीन की जो आदत है ये हाँ. इसके माइंड पे असर कर रही है अच्छा। अगर उनको रीजन के साथ आप समझाओगे ना कि इसकी वजह से हाँ। लगेगा नहीं पढ़ाई में नहीं लगेगा स्क्रीन हाँ। की देखो वो खाना खाने में एक तो बहुत देर लगाता रहेगा जो दस पंद्रह मिनट उसको बहुत देर तक बैठा रहता है खाए जा रहा है खाए जा रहा है अभी नहीं हुआ हम बोलेंगे फटाफट फिनिश करो अभी मेरा खाना कहा खत्म हुआ और देखना है और देखना है मतलब आप देखिए एक एक घंटा बच्चा बैठा रहता है स्क्रीन के आगे मतलब पेरेंट्स कनेक्ट कर दिया खाने की आदत से बच्चा वही करता रहेगा आपको अगर दादा दादी अगर इस बात को बोल रहे हैं आपको आराम से बैठ के उनको समझाना है कि इसके दिमाग पे असर हो रहा है हो जाएगा, ये, पढ़ेगा ही नहीं, ये, ही करेगा। ये एक बहुत बुरी लत बनती जा रही है आजकल आप आराम से रीजन के साथ समझाओ वो भी आपके साथ होंगे वो भी बच्चे का भला चाहते हैं ये तो आप हाँ, मानते हो ना, बच्चे को प्यार ही करते है हाँ ठीक है मैम के है। बाद ये जो मीटिंग वाली बात मैंने बोली है ना ये बहुत जरूरी है हां सारे जरूरी बड़े मेंबर हैं है ना बैठ के बात करें हाँ थैंक यू मैम यू वेलकम यस आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ इट्स प्रतिभा गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मैम Hi ma'am. Good afternoon. How are you? Good afternoon. I'm good. Very so, nice to you ma'am. Thank you so Hello, much. Can you please? Ma'am. यही पूछ कर रही हूँ। पहली हवा कह रही है। हाँ। Virginia is asking or Galaxy is asking. Excuse me. All of you, please unmute one by one.

और बास्केटबॉल खेलने की एक हैबिट डाली थी पापा ने बचपन में वो अब आज तक बास्केटबॉल खेले बिना अपना दिन स्टार्ट नहीं करते फाइव ओ उठ के जाएंगे ठंड में भी आई हैव सीन सच पीपल जिनको वॉक करने yes, की आदत है वन किलोमीटर एटलीस्ट उनको वॉक करना है रोज तो वो ठंड yes. में भी जाते हैं हम लोग बोलते हैं ना कि ठंड yes. हो गई है तो लोग नहीं आ रहे जो आते हैं सो आते हैं यस मैम वेरी ट्रू थैंक यू मैम हेलो मैम गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मैम मुझे एक बात करनी थी मेरी बेटी है फोर्थ क्लास में वो उसे जो भी समझाएं जो भी वर्क वो मानती नहीं है टाइम पे तो करेगी ही नहीं और उसको देख के मेरा बेटा भी वैसा yeah. ही करता है टीवी ऑन करके खाना खाना होमवर्क टाइम पे मत करना एक टाइम फिक्स है शाम पे करना है तो शाम पे ही करना है अदर टाइम पे तो बुक्स खुलेगी ही नहीं ये सबसे बड़ा परेशान हो जाती हूँ मैम एक बात बताओ ये आदत डाली किसने मैम मैंने तो नहीं डाली पता नहीं कहां से आ गई उसको आप ध्यान से सोच के देखो आपसे ही आई होगी मल्टीटास्किंग आप करते होगे उसके सामने आप दे, आप करके दिखाते हो बहुत सारे काम हम करके दिखाते हैं हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं मैम उसको मैंने बहुत तक के के मैं बात -बात घुसता ही नहीं है कुछ बहुत आई थिंक लास्ट वाला सेशन लास्ट सेशन था या लास्ट लास्ट सेशन था हमने उसके ऊपर करा था ना पेरेंटिंग well के ऊपर मैंने आपको बुक का नाम भी बताया था कि उसमें है ना याद है तो उसमें से वो नहीं सुनता पर जो एक बार भी वो सुन लेना आपने उसको जोर से अप्रिशिएट करना है ओके मैम ये, ये होता है छोटे बच्चे भी नहीं सुनते हैं उन्हें भी लगता है जी नहीं कर रही है तो मैं ही क्यों करूं ऐसा हो जाता है वो खेलने तो जा रही वो तो एक फैमिली कल्चर बन जाएगा बड़ा बच्चा जो करता है छोटा बच्चा ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करता है होता है ना जैसे घर की एक रीत हो गई ऐसे होता है बट देन हाँ ये चेंज हमें लाना है हमें समझ में आ रहा है कि वो उनके इंटरेस्ट में नहीं है हम चाहते हैं कि वो उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो तो हमें कुछ भी करके उसके ऊपर वर्क करना है uh, एक तो ये तरीका है, का नहीं तो आपको वेल्डन पेरेंटिंग फॉलो करना है दस बार उसने नहीं सुना एक बार सुना उसको अप्रिशिएट इतना ज्यादा करना है कि वो उसको बार बार करने के लिए मोटिवेटेड हो जाए ओके ओके मैम मैम ट्राई ट्राई करूंगी थैंक यू टाइम मैनेजमेंट का एक सेशन आ, सु, सुमंगना जी आप पूछ रहे हो अः um, थिंक मैंने ये फर्स्ट सेशन के अंदर कवर किया था आज मैं फिर से बता देती हूँ फोर डीज को फॉलो करेंगे फर्स्ट डी ड्रॉप इट आप एक लिस्ट बनाओगे काम की क्या क्या काम है आपके पास फर्स्ट डी में आप ड्रॉप इट आप छोड़ दोगे जो बेकार का काम है वो नहीं करना ठीक है सेकेंड डी डिलेड बाद में करो जो अभी नहीं करता उसको बाद में जो भी काम बाद में करने है उसको डिले कर देना थर्ड डेलीगेट अगर किसी से करवा सकते हो तो वो काम करवा और जो बहुत जरूरी काम जो कोई नहीं कर सकता बस वो आपको करने है आपको बड़ा सेलेक्टिव होना है अपने काम को करने के लिए और इस तरह से करोगे तो आपको अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा अपने अपने आपको भी मी टाइम होना भी बहुत जरूरी है उसका ख्याल रखना और क्योंकि अगर हम खुश नहीं होंगे तो हम फैमिली में भी कैसे हम खुशियां बांट सकते हैं हमें खुश रहना बहुत जरूरी है मी टाइम होना बहुत जरूरी है और लास्ट में डू इट जो बहुत जरूरी है जो कोई नहीं कर सकता वो काम आप करोगे कविता झा पूछ रही है इफ स्टूडेंट इजंट फिफ्थ क्लास एंड डजंट वांट टू स्टडी व्हाट डू वी डू फिफ्थ क्लास वाले को चेंज करने के जो रीकंडीशनिंग वाले जो एफर्ट्स है ना अगर सात बार चार साल के बच्चे के लिए तो वो चौदह बार होने वाला है क्योंकि अब उसका चल पड़ा है तो करनी पड़ेगी। और तो कोई चारा नहीं क्योंकि बच्चा बोल रहा है पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो हम ऐसे थोड़ा छोड़ देंगे है ना पढ़ना तो बहुत जरूरी है लेकिन रिकंडीशनिंग करनी पड़ेगी और आपके थोड़े ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे बट हार मत मानना हो जाएगा आपको बताने हैं उसके बेनिफिट्स पढ़ने के क्या बेनिफिट्स है आपको कैसे भी करके पढ़ाना तो है ही उसके डिस्ट्रेक्शन पर है पे उसका ज़्यादा दिमाग लग रहा है वहां से हटा के उसको पढ़ाई की तरफ लेकर आना है पढ़ाई को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है कहानियां डालनी है वट बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे बट देन यू हैव टू डू इट मोर क्वेश्चन मैम मैं आई yes, yes, प्रतिभा मैम सब बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं बट मुझे ना अपने बारे में पूछना है क्योंकि जैसे दिखे? मैंने आज आपकी क्लास अटेंड करी ना दो दिन तक मैं वो फॉलो करूंगी कि गुस्सा नहीं करना हाई पर नहीं होना बच्चों के ऊपर शॉर्ट नहीं करो दो दिन तो मैं अच्छी मदर बन जाऊंगी कि मुझे लगता है कि बस सारी चीजें फॉलो कर लो थर्ड डे मैम वही इंप्रेशन दोबारा आ जाता है फिर वही हम अपने के डेली का ऑफिस वर्क होता है फिर घर जाके थर्ड डे वही बच्चे को बच्चे हाइपर हो जाओ तो बस मैं अपने लिए सीखना चाहती मैम कि दो दिन मैं अच्छी रहूंगी आज जैसे लास्ट टाइम आपकी क्लास अटेंड करी ना माय डॉटर वो शौक मम्मा को आज हो क्या गया कि भाई आज इतना अच्छा कैसे हो गया मम्मा कुछ हुआ है मम्मा कुछ हुआ है फिर सेकंड डे भी सही है थर्ड डे मैम फिर से मैं वैसे ही हो गई अच्छा तो आपकी कंडीशनिंग भी तो होनी चाहिए ना हुँ हुँ. आपकी कंडीशनिंग होनी चाहिए आपकी वो ना? कैसे करेंगे मैम वीडियो देख लो बार बार <laughs> अभी आप रिकॉर्ड कर रहे हो सेशन को <laughs> वीडियो बार बार <laughs> देख लो <laughs> आपको अपने आप को बार बार रिमाइंड करना है अपने अंदर भी तो हमें आना है ना जी जी मुझे ये हम हमेशा बच्चों के बारे में पूछते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद के अंदर अंदर भी तो changing, अंदर चेंज भी तो चेंजिंग हर चीज अपने चेंज करेंगे तभी बच्चा आगे ठीक होगा ना मैम डेफिनेटली ये बहुत जरूरी बात है देखो कह... मैंने सेशन के अंदर तो कह दिया पर जितना गुस्सा मैंने अपने बच्चों को किया है ना मैं बता नहीं सकती बहुत बहुत स्ट्रिक्ट मदर रही मैं हिटलर बोलते थे मेरे बच्चे मुझे तो मतलब इतना इजी नहीं होता की मैंने बोल दिया कि गुस्सा नहीं करना राइट बड़ा छोटा सा वर्ड है जब बच्चा सामने से आगे बोलता है मोटी मम्मा एकदम हम ट्रिगर हो जाते हैं ना बताओ तेरे को? कैसे बात करते हैं है ना टाइम हम एकदम ट्रिगर हो जाते हैं मतलब एकदम से हमारा रिएक्शन आता है हमें खुद एहसास ही नहीं होता हमने क्या कर दिया बट जब हम ऐसे बोलते हैं ना तो हम एग्जैक्टली exactly यही सिखा रहे हैं कि अगर आपको ऐसे कोई बोले तो आपको ऐसे बिहेव कर रहा है वही तो आपने सिखा दिया कोई आपको टीज करेगा कोई ऐसे बोलेगा उल्टा सीधा बोलेगा तो आप भी अपना टेम्पर लूज करें न, और गुस्से से बात करना उससे वही तो तो सिखा दिया तो आप इसके सोचो कि ये कहां तक जा सकती है ये बातें एक गर्ल चाइल्ड केस में अलग होगा एक बॉय चाइल्ड के केस में अलग होगा वो आगे से और एक गंदी बात उसको बोल देगा सामने वाला आके उसको हिट भी कर सकता है वो कहां तक जाएगी वो बात तो माइंडफुली जब आप करने लगोगे ना एक बार बैठ के सोचोगे मतलब इतना रेस्पॉन्स का टाइम ए, एक रेस्पॉन्स विंडो होती है हमारे अंदर एक बड़ी साइकोलॉजी की बात आपसे शेयर कर रही करी एक रेस्पॉन्स विंडो होती है कि कुछ भी होता है ना जैसे कुछ भी किया बच्चे ने हमें अब सब कुछ प्लानिंग से थोड़ी ना होता है कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है होता है ना अपना जो जवाब देना ना उसके टाइम को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दो थोड़ी देर के लिए ना बस बस चुप हो जाना रेस्पॉन्स विंडो जैसे ही अगर आप रिस्पॉन्स एक सेकेंड एक में देते हो उसको मे भी आप फाइव सेकंड तक प्रोलॉन्ग कर दो टेन सेकेंड तक कर दो उसके बाद तो गलत होगा ही नहीं आपसे बस रेस्पॉन्स विंडो को थोड़ा सा बढ़ा दो नेगेटिव आप रिएक्ट नहीं करो जो रिएक्शन का जो टाइम है ना उस रेस्पॉन्स विंडो को स्ट्रेच करने से एकदम ठीक हो जाता है इसको आजमा के देख लेना वो कहते थे ना दस तक गिनती गिन लो जब गुस्सा आए बस बस चुप कर जा रहा उस टाइम बोलना मत इतना इजी नहीं है सब स्माइल कर रहे हैं यहाँ पे विजय <laughs> इज स्माइलिंग इट्स नॉट ऑल दैट इजी आई नो इट्स नॉट इजी Okay, question, so any other questions? Or shall we end the meeting? There are a few more uh, messages. Okay. Achha, ha, very nice session, ma'am. Are actually making everyone child behavior counsellor with such valuable sessions. Great initiative by you and My Shota school team. Thank you so much, Sagarji. Very nice question, ma'am. Vaishnavi is saying good suggestion, ma'am. Oppo is asking. मेरी बेटी 2.3 मंथ्स की है वो मारूंगा बार-बार बोलती है अच्छा क्लास में भी आ, हैबिट कैसे करेक्ट करेंगे ओके क्या क्या, क्या रिएक्ट करते हो आप आप क्या बोलते हो आगे से सुना एक्चुअली उसका हैबिट हो गया है मैम कहीं से सुन ली है उसने हाँ तो बार बार उस चीज को बार बार रिपीट करती है मारूंगा मारूंगा क्लास में स्टूडेंट के साथ सबके साथ हाथ उठाना ऐसे करती है मैम तो उस हैबिट को कैसे करेक्शन करे मैम घर में भी ऐसी करती है, बड़ों के ऊपर भी हाथ उठा के ऐसे बोलती है मारूंगा तो ये हैबिट को कैसे सुधारना है ये एक्चुअली क्या है देखिए मैम अभी भी बोल रही है <laughs> तो एक्चुअली क्या बच्चों के साथ मैं खेलने के लिए छोड़ी हूँ तो हाँ। बाहर के बच्चों को उस चीज को उसने सुना है वो चीज उसके लिए नया था तो बार हाँ। बार उस चीज को रिपीट करना स्टार्ट किया उसने फिर देन हमने उसको करेक्शन करने की कोशिश किया तो फिर वो चीज को लेकर के हमने डांटना स्टार्ट किया तो वो चीज को रिपीट करना जब भी भी थोड़ा सा उसका मूड जैसे कि वो रहता है गुस्सा आता है मारूंगा ऐसे करके हाथ उठा के ऐसे बोलना बार बार हैबिट हो गया मैम अच्छा तो आप इसको जितना मना करेंगे वो उतना ज्यादा करेगी ये भी बताते हैं जितना रोकोगे उतना ज्यादा करेगी क्योंकि आप उस नेगेटिव बिहेवियर को बड़ी इम्पोर्टेंस जब <laughs> मैं ऐसे बोलती हूँ तो इग्नोर तो तो भी कर रही हो ना तो वो उस चीज को रिपीट कर रही है वो एक कहानी सुना दो इसके रिगार्ड में ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी कोई बना लो एक बच्चा था वो ऐसे ही बोलता था तो एक बारी क्या हुआ करके एक कहानी बना दो तो आपने उसका नाम लेना एक बच्चा था कोई एक बच्चा था उसका नाम ये था करके सुना दो फिर एक दिन क्या हुआ उसने ऐसे बोला तो सामने से जोर से खटाक सामने वाले बच्चे ने जोर से उसको थप्पड़ लगा दिया अरे वो तो हैरान रह गया है, मैं तो बोल रहा हूं उसे तो मार भी दिया तो फिर उसको समझ में आई बिना बात के ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए अच्छा, for... द... जब आप कहानी सुनाते ना जो कहानी का हीरो होता है है वो वो बच्चा वो खुद बन जाता मैं तो उसकी बात कर रही हूँ तो मीनल की बात कर रही हूँ मीनल ऐसे करती थी ठीक है आपने मैसेज तो कम्युनिकेट कर दिया थैंक यू विजया फिजिकल इन टॉलरेबल नीड करेक्शन अच्छा प्रतिभा यू आर डूइंग लाइक दिस ओकेम एनी मोर क्वेश्चन और कुछ पूछना किसी को सब समझ में आ गया सबको यस सो चलो लेट्स मीट अगेन नेक्स्ट सैटरडे विद अनदर सेशन फॉर यू ओके थैंक यू मैम वेरी नाइस सेशन मैम थैंक यू मैम थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पेशेंट लिसनर्स मैम बहुत thank अच्छा सेशन दे दो दिल से शुक्रिया आपका एज अ मदर कह रही हूँ मैं

सर से रिक्वेस्ट करके बोलना पड़ेगा ओनली सैटरडे को नहीं एटलीस्ट टू डेज इन अ वीक तो होना चाहिए ओके आई एम रेडी फॉर दैट ओके ठीक है थैंक यू एवरीवन ओके बाय मैम हैव अ नाइस नेक्स्ट सैटरडे बाय बाय एवरीबॉडी बाय मैम बाय बाय एवरीवन बाय मैम थैंक यू मैम